एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंडिया के साथ एक और मुकाबला जो है वो संडे को होगा, उसके बाद फाइनल कभी, ये किस तरह मोमेंटम इसी तरह जारी रहेगा जिससे कि फाइटिंग स्पिरिट आप लोगों ने पहले मैच में दिखाई है? देखें, जिस तरह से पहला मैच हुआ है उससे तो काफ़ी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, और जैसे वर्ल्ड कप में भी हम इनके अगेंस्ट जीत चुके हैं तो मोरल काफ़ी आई है, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आएगा तो डेफिनेटली इसको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और हम उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं। जी, नसीम शाह की इंजरी के बारे में बताइएगा। वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो प्लेयर से पूछने वाला सवाल नहीं है आपका कोई। अच्छा नवाज भाई, फास्ट बॉलर्स को इंजरीज हो रही हैं, शाहीन, फिर नसीम, उसके बाद वसीम, तो कितनी जिम्मेदारी आती है स्पिनर्स के ऊपर फिर मैच में? शाहीन तो इंजर्ड हुआ है डेफिनेटली, बट यह है कि नसीम शाह को इंजरी कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो बस थोड़ा सा वेदर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्रैम्स पड़ रहे थे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल फिट है और इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे नेक्स्ट गेम्स में भी। मेरा सवाल यह कि कितना अहम हो जाता है स्पिनर्स का रोल फिर इसमें, कितना हो जाता है बॉलर, फास्ट बॉलर जो है वो क्रैम्प्स आ रहे थे नसीम को भी, वो पहले दो तो इंजर हो गए थे। जी बिल्कुल, काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट ये है कि दुबई में तो वैसे भी जो है स्पिनर्स के काफ़ी अहम रोल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में ये है कि इधर स्पिनर्स की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर पे है, क्योंकि मिडल में विकेट्स चाहिए होती हैं और वो सारी चीज़ें उसको लेकर उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू।